तो बना क्या? अब उल्लू तो बना नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट जो हूँ और स्ट्रांग भी हूँ। ओ हाँ हाँ, वो जो जसबीर को धोया था इसीलिए। चलो दरवाजे पे स्वास्तिक बनाओ। हाँ स्वास्तिक। अब मैं क्यों बनाऊ? पंडित जी ने तुम्हें भी तो बोला ना बनाने के लिए, तो तुम बनाओ। नहीं मतलब मैं बनाऊंगा या तुम बनाओगी एक ही बात है ना, चलेगा? ठीक है तो मैं पंडित जी से जाके पूछ लेती हूँ चलेगा या नहीं। अरे नहीं एक मिनट, पंडित जी से क्यों? तो फिर बनाओ। अरे बना दूंगा। दूंगा अभी बना। ठीक है बनाता हूँ। स्वास्तिक, इसमें कौन सी बड़ी बात, स्वास्तिक। तो मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा डार्क बनाऊं या लाइट बनाऊं, या क्या थोड़ा बड़ा बनाऊं या छोटा, शेप कैसी रखूं उसकी, गोल रखूं या स्ट्रेट। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मतलब सब समझ रहे हो तुम, यू आर टू स्मार्ट अभी, बोलो सच। हो क्या सच? यही कि तुम्हें स्वास्तिक बनाना नहीं आता। अरे तुम लाल क्यों हो रहे हो? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? नहीं 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 ठीक है, सीक्रेट है एंड आई प्रॉमिस ये हम दोनों के बीच में रहेगा। पक्का? पक्का। तो क्या करूं, कैसे, कौन सा? मैं हेल्प करती हूं। देख रही हूं क्या चल रहा है, उसे से स्माइल करके बात क्यों कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं दूसरे से? तो स्ट्रेस मत ले यार, टेम्पररी फेज है, आज की बात है, सिर्फ जाने दे यार। कैसे जाने दो यार, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। शांत हो जाओ मोनिशा, शांत हो जाओ, क्यों इतना परेशान हो रही हो? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ एक नाटक है और वो भी सिर्फ आज के लिए, सो रिलैक्स। मैं भी यही बोल रही थी इसे, चाहे नहीं समझोगे। नॉट बैड आरवी, बना लिया तुमने? मैंने? चलो मान लेते। अरे तुमने ही तो बनाया है। हाँ मैंने ही बनाया है, लेकिन तुम्हारी हेल्प से, सो थैंक्स टू यू। अच्छा अच्छा चलो मैं अपना बना लेती हूँ, तो कुमकुम। पूरी मैं आता हूं। आपसे यही जल छिड़कोगी, और जगह भी जल छिड़को ना। हाँ तो चल साथ चलना, हेल्प कर दे चाची की, चला जा। इफ यू इंसिस्ट, तुम लोग आओ। हाँ चल। क्या बात है मोनिशा? क्या तुम कुछ परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? अब तुम्हें क्या बताऊं मैं कि क्यों टेंशन में हूं, बता थोड़ी सकती हूं कि मैंने किया क्या है। सांप सांप ले आई हूं, पर अब डर लग रहा है वो सांप किसी को भी डस सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी आफत आ जा रही है। निशा क्या हुआ, क्या बात है? नहीं कुछ तो हुआ है। कुछ खास नहीं आ रही, बस वो कल एक्चुअली वो बाकी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है ना, तो बस वही सोच रही थी, वही माइंड में चल रहा, और कुछ नहीं। अच्छा अरे छोड़ो ना यार, रिलैक्स हो जाएगा सब। आरवी बेटा। जी पंडित जी। आप यहाँ आइए जी।
अभी नील पे इनका चिप हुआ, ये भी ठीक कराना पड़ेगा, कुछ ठीक नहीं चल रहा है।